अरे सो बात होगी, आज जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। समाधान ही को करो, ये देखो माल लगा दिया अपन ने, अपन एक घंटा आप मेरे से मत उलझो, मैं समस्या आपका समस्या आया, हम आपसे नहीं उलझे तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे, मेरे से पहले भी हमारा भाई, अरे समाधान यही तो करेंगे, पानी मेरे से बात करेंगे, आप समझे नहीं, कोशिश तो भाई नेशनल मीडिया पर देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाने और देश के विश्व गुरु बनने जैसे शोज देख ही रहा था, तभी फोन की घंटी बजी और पता चला कि सीकर के जयपुर रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने दो युवक पानी की कमी को लेकर टंकी पर चढ़ गए हैं जलदाय विभाग की। तो पहले पहले क्या था क्या नहीं था, आज जो समस्या है उसका समाधान करो ना। आप क्या बोल रहे हो, मैं कहा सुन, मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ भाई, जो पहले कोई समस्या थी उसका, आज जो वर्तमान समस्या है उस समस्या का ये एन साहब आ गए, आप कोई समस्या था ये और उस एन साहब को पूछा कि उस टाइम में उन्होंने क्या किया था हम लोगों पे, उन्होंने हम पे मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने मुकदमा दोबारा भी हो जाए, मुकदमा क्या है, सुनिए, अरे अरे सुनिए, अरे भाई सुनिए, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में, आज की जो समस्या आप एन साहब बताइए, इनसे हम संतुष्ट नहीं है सर, ये तो आश्वासन पहले भी दे चुका है हम लोगों को, आप समझने की कोशिश करो, क्या समझ रहे हो पहले आप बताओ, क्या समझा आपने, मैं सब समझ रहा हूँ, सुनिए मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, इनको जो समस्या है ना इन सबको, आपके अलावा इन सबको समस्या जो है उसका समाधान ये इंसाफ करे, देखो इंसाफ सुनो मेरी बात, समझ गया, ये समाज की समस्या समाधान नहीं कर रहे, देखो इंसाफ बात नहीं है, अपन ने कोई मत भी सब नहीं, अपन ने एक घंटा सुबह पानी दे तो दो टाइम लाए तार हो जाओगे, अब तो पानी तय की बात, आराम नंबर तो ये भी के बाद में समाधान हो गया, बाद में देखो पानी का समस्या का तो हिमा आप लोग जो छोटी सी बात है, चलो अरे नहीं हुआ मैं, अरे भाई सुनिए, अरे सो बात होगी, आज जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, समाधान ही को करो, ये देखो माल लगा दिया अपन ने, अपन एक घंटा आप मेरे से मत उलझो, मैं समस्या आपका समस्या आया, हम आपसे नहीं उलझे तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, मेरे से पहले भी हमारा भाई, अरे समाधान यही तो करेंगे, पानी मेरे से बात करेंगे, आप समझे नहीं, कोशिश तो भाई ये करो, जितना कीजिए एक मिनट भाई ये करो, एक मिनट ये करो, पहले हमें समाधान, अरे भाई वो समस्या ये महाशय आपकी समस्या का समाधान नहीं, ये समाधान हुआ था, ये पानी विभाग वालों पुलिस वालों की समस्या सब की समस्या, इसके अलावा हमको बोलने में मजबूर मत करो, आप जब होते हैं कि आप हमको एक घंटे पानी गिराते हैं भाई, भाई वो पहले, अरे पहले जो समस्या हुआ समाधान, आज जो समस्या अभी तो समस्या पैदा हुई, पहले चालू करवा दो, मशीन गई टंकी में, आप धीरे बोलना, हाँ समस्या का त्योहार ने लाग ली है, संतोष नहीं बताओ आपको, उस टाइम आपको पता है ना, आप नहीं थे, हम लोगों ने ऐसी बात की थी तो हम लोगों के राजकारी में बात आ रहा है, मेरा मुकदमा दर्ज कराया था, सुनो ये बोलो, मैडम सुनो ना, उच्च अधिकारी मेरी बात सुनो, मान्य सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक घंटा पानी दे दो, भी टू एन थे दौड़ लो, तो दे दो 6 दे दो, नहीं गर्मी को टाइम है 5 से 6 बजे तक एक घंटा पानी दे दो, मान्य सप्लाई पूरी हो जाए, अब कितनी आ रही है, अब तो कल पार्टी बिल्कुल टाइम करवा दे, समाधान करवा दे, 5 से 6 बजे एक घंटा को पानी कर दो, कोई तरह अगर अपने 5 से 6 घंटा पानी नहीं आवे, एक घंटा पानी नहीं आवे 5 से 6 तो सोमवार की सरंडी है मंगलवार ना, लोग सब हो जाए ठीक है, जैसे कोई दिक्कत हुई नहीं के सही है, इकमान कोई वो नहीं, और नहीं देखो साहब कोई समस्या को नहीं, पानी आ जाए, कोई दिक्कत हुआ नहीं, हम संतुष्ट देखो।
अरे थोड़ा नहीं सुनो, वो जो बिल खराब पड़ा है ना, वहाँ मशीन पहुँचा दी है, खुद देखे मशीन बड़े गई है जी, जो बिल मशीन सुनो ताई जी, चाची सुनो मेरी बात, अपन पाँच से एक घंटा पानी देता बहुत है, शाम और 10 मिनट और शाम आज और सुबह आपने एक घंटा पूरी कमाल लाइन नहीं, सुबह को करवा दे, हाँ लाइन के चेंज करती आता हम शाम ना बार आता हम सुबह हुए दबा के पूरा मतलब एक घंटा पानी करते हो पाँच से छह को सुबह को नहीं गया मैं तो सदा बाहर गा दवा ताकि भाषा का यूज कर रही है, आप भी तो क्या कर रहे हो भाषा यार, आप भी तो ऐसे बोल रहे हो, तो आप एक कर्मचारी को ऐसे बोल रहे हो और खुद क्यों प्रार्थी वैसे बोल रहे हो, आप अगर इज्जत कर रहे हो तो आप ये टंकी को पानी दो एक घंटा मान, और देख रहे तो ये टंकी को पानी दो एक घंटा मान, बस बड़ा है ये टंकी का मान है, तीन ही सुबह हो रहा है, बात हो गई है, एक आपको एक टाइम करवा दे आपको, इधर वालों को इधर वालों को सब बैठा मॉल बात रे अधिकारी है, एक टाइम को डाल रहा है, ये काम तो इनको ही करना है, बड़े अधिकारी क्या करेंगे, काम काम करने वाले वो आने का यही है, बड़े क्या करेंगे, आपको खुलवा रहे एक घंटा पानी, आपको खोल रहे एक घंटा पानी, आ जाओगे एक घंटा पानी खुला रहे, आ जाओ नहीं तो बुला लू, हाँ बुला लो बुला लो, हाँ वो बात तो एक घंटा फुलवारिया पानी, एक घंटा खोल के चीज दिल्ली पाँच से टाइम हो हाँ हाँ लिखते देखिए इंसान लिखते देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जगह वाला दो आदमी छोटे टाइम बाबर मुकदमा ले रहा है, कौन ना गया वाला बुला लो नहीं टंकी पर कर्मचारी माने क्या आपकी भाषा बहुत गलत है, इन्हें टैंक इन्हें पंप आउट जिस दिन ठेका में जियो ने जिस दिन काम खराब होगा पानी को मोला, ये बहुत बढ़िया पानी आ रहे हो, कोई समस्या को नहीं कर देगी, आराम से सब ढाप रहा पानी आ रहे हो, कदे विवाद को नहीं अब एक घंटा पानी खुलवा दो, बिल्कुल खुलवाओ एक घंटा पानी, बोलो एक घंटा पानी, अब तो बराबर भरिया करो
मतलब कहे जाने जिम्मेदार आदमी छोड़े दो जगह तो बराबर चला हुआ क्या घंटा है टंकी नंबर है बताओ बताओ दे आज भी बड़ा काम से हो जाएगा करो को मेन मुंडा मंडो दवा काल चल बुला लो चल रहे हैं तो नेता के हाथ में थकावट थोड़ी थकावट क्या कि पानी ही नहीं हो आज कतरा दिन होगा चलो होगी दे बस किस मांग को लेकर किसे देते हैं करीब करीब ये मान के चलो आप 12 महीने से हमारे पानी की समस्या चल रही है और आज से 2-3 महीने पहले हमारे पे पानी को लेकर मुकदमा भी लगाया गया था और मुकदमे के अंदर हमारे पुलिस पानी जब मांग करते हैं तो लोग ये पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस से डराते हैं धमकाते हैं और पानी 15 मिनट से ज्यादा ये पानी नहीं देते 15 क्या 10 मिनट से ज्यादा भी पानी नहीं देते हैं त्योहार के दिन किसी भी घर परिवार के अंदर पानी नहीं है एक बूंद भी मटका भी पानी के लिए नहीं है अब करे क्या यहाँ 10 दिन से रोज आ रहे पानी नहीं है समस्या का समाधान करो समस्या का समाधान करो लेकिन इन्होंने कर रहे हैं पिछले एक्शन साहब को भी हमने अवगत करवा दिया वो भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं यहाँ आते हैं तो यहाँ टरका देते हैं कि अभी कर रहे हैं कल कर देंगे परसों कर देंगे आज ये खराब है वो खराब है लेकिन कोई समाधान नहीं है और अभी हमने परेशान होकर ये कदम उठाया पानी की समस्या को लेकर यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम फिर भी यही मंगलवार ये सामने वार्ड नंबर 46 का मामला है मोहन सुवाल भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मेरा तो शहर का वार्ड है वहीं साहब ने बुलाया अधिकारी मिलने तो आती को नहीं इनके यही तो कमी है ना जिम्मेदार अधिकारी मिलते ही नहीं है ये वाटर वर्क्स के कोई अधिकारी जिम्मेदार है ही नहीं जिम्मेदारी लेते ही नहीं है अपने वार्ड में बोलते तो ना हमारा तो पार्षद दीजिए अरे सर आओ इधर आओ बताओ साहब समस्या को के निदान कार्ड से निदान कार्ड दियो आके मशीन लगा दी गई बड़े और पानी की सप्लाई बढ़ा दे बिल्कुल कितनी देर बड़ा शो खाई अभी तो आगे 15-20 15 मिनट तो पाइप में ही टाइम लग जाए 45 मिनट की तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ना एक घंटा की व्यवस्था करनी है टंकी थे किया भरो ताकि किया नहीं भरो व्यवस्था ताकि है जिम्मेदार आदमी हो जिम्मेदारी यहाँ भर जाओ एक घंटा पानी खोलोगा और जो समस्या को यहाँ की समस्या दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए भाई अब तो खुलो पानी एक बार अब तो आज त्योहार के दिन आप पीड़ा हुई है बताओ लो त्योहार था क्या त्योहार को नहीं किया तो जना आज एक त्योहार की भावना ने समझो तो सिर्फ अति पब्लिक जनता आई है तो भी भावना तो समस्या होगी तो कम से कम साहब यहाँ की आप पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हुए कदम क्यों उठाना पड़े हुए कदम उठावा की जरूरत खड़े पड़ी बताओ जाओ जिम्मेदार व्यक्ति है कोई आतवाद को नहीं चाल तो रहा गिरो कोई उठाई गिरा तो आज को नहीं जिम्मेदार व्यक्ति है सारा प्रवीण जी जाने ही पूरा मामला को व्यवस्था ने एक घंटा पानी की व्यवस्था करोगा थे एक घंटा से कम नहीं और जो पुनरावृत्ति नहीं हुए और अब तो खुलवाओ ठीक है ना और अब आज त्योहार के दिन है आप पीड़ा दो दिन तो पानी की व्यवस्था ना था ना जिम्मेदारी से एक घंटा से ज्यादा ही खोलो दो दिन तो ठीक है अब दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुआ नहीं चलो बाप गोविंद सुईवाल जिंदाबाद गोविंद सुईवाल जिंदाबाद। होली के त्योहार पर अक्सर ये बात चलती है कि पानी बचाओ या पानी बहाओ जो भी अलग अलग लोग अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से बताते हैं लेकिन दोनों ही सूरत में घर में पानी होना चाहिए जिसे या तो बचाया जा सके या फिर बहाया जा सके। पानी टाइम पे खोल भी नहीं रहे दिक्कत क्या है ये वो हमें बताया भी नहीं है कि भाई दिक्कत ये है अब पहले भी ये सिचुएशन आई थी तो हमने हैंडल किया था तो वो उन्होंने बात करी तब केस कर दिया हम पे अब हम और क्या बताएं। तो पानी की समस्या कितने टाइम से है? पानी की समस्या यही है 15 दिनों से है। ये जो ट्यूबवेल में पानी आता था ना पहले तो उसके बाद में हमारे समस्या ये है लेकिन कभी एक घंटे खोल देते हैं 2-3 महीने लगातार फिर 2-3 महीने आधा घंटे 10 मिनट ऐसे खोलते हैं पानी टाइम पे खोलते नहीं है लगातार नहीं आता है पानी बिल्कुल भी। तो आज आपको क्या आश्वासन मिला आपको लगता है पानी आ जाएगा सही से? आज बोला गया है वहाँ पे कि भाई हम टाइम पे खोलेंगे 2 दिन बाद में करिए आपकी व्यवस्था कर रहे हैं
अब देखते हैं दो दिन बाद में वो खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। हमें एक घंटे पानी भी मिल जाता है ना तो हमें भाई हमारा कैसे भी करें समाधान कर लेंगे, लेकिन 10 मिनट के पानी से क्या होता है। अब पानी तो सबको चाहिए। आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप त्योहार के दिन आप ये करने? त्योहार के दिन पानी नहीं आया, सुबह आया ही नहीं सुबह पानी। हाँ पानी आवा ही कौन तो पानी पानी आता था पानी काम में, पानी के बिना काम कैसे करे। पानी तो आया तो नहीं आया 10 मिनट तक, 2-3 चार दिन हो गया पानी आया तो पानी आवा ही कोनी 10 दिन हो गया पानी आया नहीं बिल्कुल ही नहीं पानी आवा ही कोनी। टंकर गिरावा टंकर 2 दिन पहले 6 बजे पानी आता था, 6 बजे के बाद में 10 मिनट जैसे 6:15 कर दिया, 6 से 10 कर दिया। अब आज तो बिल्कुल भी नहीं आया, 10 मिनट पानी आया था, फिर हमको क्या पता चले कि भाई पानी गया आया कब आता है कब जाता है। मंगानो पड़ेगा तो हाँ टंकर मंगानो पड़े, अभी टंकर की दार की अभी घर की है टंकर, 5 दिन पहले आए और आज आए पानी को लिया पानी तीन सालों तो यही प्रॉब्लम हो रही है। जो 3-4 साल हो गए यहाँ, 3 साल से तो मैं देख रही हूँ ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। चार कदे कांतरा 2 दिन टेकर मार फिर फिक्स टाइम को नहीं, या तो 5-6 दो या 6-7 दो टाइम यो होना चाहिए फिक्स। हाँ टाइम को नहीं फिक्स, फिक्स टाइम में फिर नींद खराब हो वगैरह, इन्हें मैंने कोई काम को नहीं कर पाऊँ। 20 बार मोटर चलावा तो पानी तो चलवाई कम से कम। तो लोगों से बात कर ली और इससे मुझे ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं अपने भाषणों में कि 80 करोड़ परिवारों को वो राशन दे रहे हैं, उसी तरीके से कुछ परिवारों को अब उन्हें टैंकर पानी के देने की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हालात अब मार्च में हम देख रहे हैं, अभी तो गर्मियां पूरी सामने है, जैसे जैसे पानी की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे ही पानी की किल्लत लोगों की और सामने आएगी। जलदाय विभाग को इसके लिए पहले से पूरी योजना बना लेनी चाहिए कि कहाँ पर सड़क को तोड़कर पाइपलाइन बिछानी है और कहाँ की ट्यूबवेल सही करानी है और कहाँ से पानी के टैंकर लाने हैं, ताकि सीकर शहर में और आसपास के गाँवों में भी ये समस्या बढ़ती रहती है। क्योंकि सीकर का काफ़ी सारा हिस्सा ड्राई जोन में जा रहा है, तो पानी की सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग मई जून में या जुलाई में जाकर कुछ करे, उससे बेहतर है कि अभी से वो प्रबंध कर ले, अपनी योजना बना ले और दुरुस्त कर ले संसाधनों को, ताकि आम जनता पानी के लिए इस तरीके से टंकियों पर चढ़ना नहीं पड़े और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी होली का त्यौहार मना सके, बाकी त्यौहार मना सके और अपने घर परिवार पे रह सके। और पुलिस को भी कम से कम पूरी रात ड्यूटी करने के बाद सुबह सुबह इस तरीके के मामलों के लिए बीच बचाव करने नहीं पहुंचना पड़े। उम्मीद करते हैं कि अब इस कॉलोनी के लोगों को पानी मिलेगा और इनके वार त्यौहार ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाए जा सकेंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।